हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आजकल ये वाली वीडियो काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, जिसमें कि दोस्तों आपके साथ और आपका कोई पार्टनर बैठा होता है और उसमें दोस्तों टी शर्ट के ऊपर आपका नाम और आपके पार्टनर का नेम भी लिखा होता है। तो आजकल दोस्तों इंस्टाग्राम पर ऐसी वाली रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वाली रील को बनाना तो दोस्तों इस वाली वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इस रील को बनाना काफ़ी सिंपल है और अगर आप इस वीडियो को फुल देख लेते हैं तो आप सीख जाएंगे कि ऐसी वीडियो को आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहता है। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाना काफ़ी आसान है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना। ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च कर देना है बिंग AI इमेज जनरेटर। ये लिखकर दोस्तों आप देख लीजिए, आपको सर्च कर देना है। ये लिखकर दोस्तों आपको सिंपली से सर्च कर देना है। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर की जो सेकंड नंबर पर वेबसाइट दिख रही है ना, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है, जिस पर लिखा हुआ इमेज क्रिएटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। ये आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्क्राइब लिखा मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा, आपको ये वाला प्रॉम्प्ट ही सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख लीजिए यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको सिंपली से यही का यही यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एनी नेम मिलेगा और एक आपको यूअर नेम मिलेगा। अब जहाँ पर एनी नेम लिखा दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम डाल देना है। तो जहाँ पर एनी नेम लिखा दिख रहा है, यहाँ पर मैं कोई भी नेम डाल देता हूँ, तो आप अपना नेम डाल देना है। यहाँ पर एनी नेम की जगह आपको अपना नेम डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राम। और यहाँ पर जहाँ पर यूअर नेम लिखा दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपने पार्टनर का नेम डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीता। तो ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने राम और सीता यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद मैं ज्वाइन एंड क्रिएट पर जैसे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन आ जाएगा कि आप अपनी ईमेल आईडी के साथ लॉगिन कर लीजिए। तो मैं इसलिए वाला ये स्टेप दिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों पिछले वाली वीडियो में सभी लोग कह रहे थे कि आपको यहाँ पर ईमेल के साथ साइन इन नहीं हो रहा, तो मैं आपको साइन इन भी करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपको सिंपली से यहाँ पर साइन इन पर ईमेल आपको डाल देनी है, तो मैं ईमेल यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट वन पर क्लिक कर देना है अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम पर क्लिक करना है, और फर्स्ट नेम में दोस्तों आपको अपना नाम डाल देना है। मैं डाल देता हूँ कोई भी नेम दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है, और डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद दोस्तों सिंपली से जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो ईमेल आईडी है वहाँ पर दोस्तों एक वेरिफिकेशन आ जाएगा, तो वो वेरिफिकेशन कोड दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं जल्दी से वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल देता हूँ। अब दोस्तों वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ये मिल जाएगा कि आपको कुछ पजल को सॉल्व करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर साइन इन कर पाएंगे। तो मैं सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या लिखा हुआ है, यूज़ दी एरो टू रोटेट दी ऑब्जेक्ट टू फेस इन दी डायरेक्शन ऑन दी हैंड। तो आपको हैंड के डायरेक्शन में इसको फेस करना है, तो मैं सिंपली दोस्तों एरो की मदद से इसको मैं कर देता हूँ सेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जिस साइड में यहाँ पर फिंगर है उसी साइड में दोस्तों मैंने कार का यहाँ पर फेस कर दिया है। अब सिंपली से आप जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका डन हो जाएगा। डन होने के बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका इमेज यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। तो भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार की इमेजिंग यहाँ पर बनकर आ चुकी है, और आप देख सकते हैं दोस्तों इस पर कितनी अच्छी तरीके से नाम लिखा हुआ है, राम और सीता दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, और कोई भी मिस्टेक दोस्तों आपको इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगी। इसको डाउनलोड करने में दोस्तों बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, तो इसको कैसे डाउनलोड करना है बिल्कुल HD क्वालिटी में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। आपको जिस भी इमेज को डाउनलोड करना है आपको सिंपली से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली से उस वाली इमेज पर क्लिक कर देता हूँ, और इमेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको साइड में 3 डॉट मिल जाएंगे, आप जैसे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, आपको सिंपली से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी फोटो जो है वो HD में दोस्तों यहाँ पर आपको डाउनलोड मिल जाएगी। अब दोस्तों ये थी वीडियो, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।